Hello everyone. So we have a very good question on our screen from our booster session on the topic time, speed and distance. So no option available here. So theta based question hai ye. Now guys, if you learn a new thing or new trick from our video or from this question, so do hit like and subscribe to our channel. Now if possible, do share with your friends as well, no, in any group you are part of or any Facebook group you are part of. So by sharing, you are helping other people as well, because bahut logo ko is type ke questions mein dikkat hota hai, right? So if possible, do share as well. All right. Now starting with the question, it says that Ajit and Baba are standing at a distance of basically 120 meter. So jaldi se hum kya karte hain, draw kar lete hain. To ye hamara raha Ajit aur ye Baba raha, dono ke beech mein distance hamara 120 meter ka hai. Fine. So they are saying that Ajit starts running towards Baba and at the same time Baba starts running away from Ajit. So dono basically ek hi direction mein bhag rahe hain, right? Okay, so now they are saying that Ajit reaches the point from where the Baba started. Okay, so Baba has covered already 120. All right, so ab yahan pe kya bol raha hai ki Baba, let's say yahan tak pahuncha. So tab Ajit ne Baba ko catch kar liya. So let's say Ajit and Baba is right away here. ठीक है, सो इस डिस्टेंस को हम एक्स ले लेते हैं. फाइन, अब क्या बोल रहा है कि नाउ व्हेन अजीत हैज कॉट बाबा एट दिस पॉइंट, अजीत टर्न्स बैक टू दिस पॉइंट राइट, जहां से बाबा ने स्टार्ट किया था. तो मीनवाइल जब तक अजीत इधर वापस आ रहा है, तब तक बाबा क्या हो रहा है, बेसिकली आगे भाग रहा है, राइट? सो लेट्स से बाबा इज समवॉट हियर एंड दिस डिस्टेंस आई एम टेकिंग इट एज वाई. और हमें ये दे दिया है बेसिकली कि एक्स प्लस वाई भी बेसिकली 120 है. ये भी हमें दे दिया है कि बाबा का टोटल डिस्टेंस जब तक अजीत वापस इस यहाँ पे जब आता है, तब तक बाबा बेसिकली एक्स एंड वाई कवर कर चुका होता है, दैट इज नथिंग बट 120. ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है, राइट? ओके, नाउ यहाँ पे स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं दिया. अगर तुम क्वेश्चन को इन शॉर्ट पढ़ोगे तो स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं दिया. तो अजीत और बाबा का जो स्पीड है उसको हम रेशियो ले लेते हैं ए इज टू बी का, हमने रेशियो ले लिया. अच्छा, अब मुझे पता है कि यार सेम टाइम में अजीत बेसिकली कितना कवर कर रहा है, 120 कवर कर रहा है, प्लस एक्स कवर कर रहा है बाबा को पकड़ने के लिए, और बाबा क्या कर रहा है, सिर्फ एक्स कवर कर रहा है. तो अगर हम स्पीड का रेशियो लेते हैं तो डिस्टेंस बेसिकली अब क्या होगा, टाइम इज कॉन्स्टेंट, मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, राइट? तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया अजीत ने, 120 प्लस एक्स, और बाबा ने सिर्फ एक्स ही कवर किया. मुझे एक रिलेशन मिल गया. मुझे और एक रिलेशन मिला यहाँ से कि जब तक ये बाबा वाई कवर कर रहा है, तब तक अजीत भी एक्स कवर कर रहा है, राइट? तो मतलब ए अपॉन बी इज ऑल्सो एक्स अपॉन वाई. सो ये मुझे दूसरा रिलेशन मिला, और एक रिलेशन मुझे मिल गया था यहाँ ऊपर से, जो कि मेरा तीसरा था. अब इन तीनों को लगा के मुझे सॉल्व करना है क्या, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत एट दिस पॉइंट. तो अजीत ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सो अजीत ने अभी तक 120 कवर कर लिया था, उसके बाद ये यहाँ पे जाके बाबा को पकड़ा, फिर बाबा के स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न किया. ये मुझे दिया हुआ है, राइट? नाउ इफ आई टेक आउट वाई फ्रॉम हियर, आई नो दिस इज नथिंग बट 120 माइनस एक्स. नाउ सेम थिंग आई कैन यूज इन माई फर्स्ट, बोल सकते हो, तो या फिर तुम सेकेंड में यूज कर लो, कहीं पर भी तुम कर सकते हो. आई नो ए अपॉन बी दिया हुआ है, राइट? एंड ए अपॉन बी यहाँ पे भी दिया होता है, आई कैन यूज दिस रिलेशन. सो दिस इज नथिंग बट 120 प्लस एक्स अपॉन एक्स मैंने कर दिया, एंड यहाँ पे क्या हो गया, एक्स अपॉन वाई दिया हुआ है. तो लेट्स से वाई के टर्म्स मैंने एक्स को निकाल, मतलब एक्स के को निकाला हमने इसके टर्म में. तो अगर यहाँ पे डाल दोगे डायरेक्टली, आई नो वाई आई ऑलरेडी हैव इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज नथिंग बट 120 माइनस एक्स, राइट? अब यहाँ से सॉल्व कर लो, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आएगा. सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीपल आएंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर, फिर तुम्हारा हो जाएगा दिस इज नथिंग बट 120 का होल स्क्वायर बन जाएगा. तो यहाँ पे x का वैल्यू देखोगे तुम्हारा कितना है, 60√2 आ जाएगा तुम्हारा x का वैल्यू. बट ये तो मुझे मिला ये डिस्टेंस, राइट? बट अजीत क्या हो रहा है, वापस भी आ रहा है. तो अब टोटल डिस्टेंस अजीत ने कितना कवर किया, 120 प्लस वो जा रहा है 60, ठीक है, √2 टाइम्स, जो कि ये वाला डिस्टेंस है, बट वो वापस भी आ रहा है यहाँ पे, राइट? सो दिस इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स. सो मेरा अब जनरल सोल्यूशन हो गया, 120 को कॉमन ले लोगे, 1 + √2 मेरा सोल्यूशन हो गया इसका. सो गाइज, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट एब्सोल्युटली कैट लेवल था, कैट एंड जैट लेवल बोल सकते हो, ठीक है? सो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.